खेत से नहीं आए रे, मुझे पढ़ना था। पढ़ेगा पढ़ेगा, मजिस्ट्रेट बनेगा। हाँ पापा मुझे पढ़ना है। नहीं पढ़ेगा, खेत जा। ठीक है। यहाँ पे दस्तक कर दीजिए। क्या? यहाँ पे दस्तक कर दीजिए। क्या? दस्तक। आप ये चिट्ठी पढ़ दीजिए ना। काहे, खुद से पढ़ लीजिए, आपका चिट्ठी है। हमें पढ़ना नहीं आता है। तो अपने लड़के से पढ़वा लीजिए, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, वो खेत जाएगा खेत। काहे गैर कानूनी काम करवा रहे हैं जी, अपने लड़के से आ जाइए। अरे कर दीजिए ना, जाइए जाइए, हमारा टाइम नहीं है। अरे दास बाबू, अरे दास बाबू, ये चिट्ठी पढ़ दीजिए ना। क्या चिट पढ़नी है? हाँ लाओ। पकड़ो, हम अभी नहीं शाम को पढ़ देंगे। अरे क्या बताएं भैया, हमको सुबह दिखता ही नहीं है। ऐसे कैसे? अरे आपको नहीं पता, अभी नया बीमारी आया है रामागुंडम में। सच में? हाँ आपको नहीं पता। अरे पढ़ दीजिए ना। अरे शाम को पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। अरे पढ़ दीजिए आपको, शाम पढ़ दीजिए। अरे भैया ये पढ़ दीजिए ना। स्वादिष्ट है। अरे पढ़ दीजिए ना। बिरयानी। अरे पढ़ दीजिए। खाना है। अरे पढ़ दीजिए ना। पैंट चोरी है। अरे पढ़ दीजिए। पैंट चोरी है। अरे ये तो नया आदमी लग रहा है गांव में, इसको तो पक्का पढ़ना आता होगा। अरे ये पढ़ दीजिए ना सर, सर ये पढ़ दीजिए ना। क्या पढ़ना है? अरे नहीं पढ़ना है, पढ़ना। अच्छा पढ़ना है, ये लीजिए। अरे इसको कैसे बताऊं, मुझे खुद पढ़ना नहीं आता। क्या कर रहे हैं आप? अरे सिग्नल ढूंढ रहे हैं। किसमें सिग्नल? ये हाँ भाई आता है सिग्नल। ये देखिए इधर किधर। अरे ये सीधा सीधा बोले ना, आपको पढ़ना नहीं आता। सीधा सीधा नहीं आता है। पढ़ना आता नहीं है निकल। और डाकिया, डाकिया ये पढ़ दीजिए ना, सुबह से कोई नहीं पढ़ा है। सुबह से क्या किए जी? तीन दो लोग मिले, उनमें से एक भी नहीं पढ़ा। रुकिए। अच्छा अच्छा लाइए, ये लीजिए। मेरे प्रिय दामाद राजू, तुम्हारे सास ससुर। दिन भर रोते रहते हो, आ जाओ भैया पढ़ दीजिए। मेरे प्रिय दामाद राजू, तुम्हारे सास ससुर की तरफ से ये खत तुम्हारी धर्म पत्नी। हमारी पत्नी? हाँ हाँ तुम्हारी पत्नी, हमारी नहीं। हमारी पत्नी। मेरे प्रिय दामाद राजू,
तुम्हारे सास ससुर के तरफ से ये खत है। तुम्हारी धर्म पत्नी कल अस्पताल में दो जुड़वा बच्चों को जन्म देगी। ये सुंगीरा 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 लो देखना अब लो और लो भैया जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समझे अपने बच्चों को पढ़ाया करिए खेती बाड़ी मत करवाया कीजिए। हाँ हाँ अब मैं अपने बच्चों को सब कुछ पढ़वाऊंगा। तो देखा दोस्तों ऐसे मेरा नहीं तो देखा दोस्तों जैसे कि आज मैं एक खत नहीं पढ़ पाया वैसे ही आप सबको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए और अपने आसपास के बच्चों को या उनके माता पिता को प्रेरित करके उनको भी पढ़ाना चाहिए।